दोस्तों, बॉलीवुड के सीरियल किसर कहे जाने वाले एक्टर इमरान हाशमी और बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस नरगिस फाखरी काफी सारी लाइमलाइट बटोर चुके हैं। वहीं इमरान हाशमी बॉलीवुड में बेस्ट किसर कहे जाते हैं, यानी अगर किसी फिल्म में इमरान हो और उनका किसिंग सीन ना हो तो वो फिल्म बिल्कुल अधूरी ही लगेगी। तो वही बॉलीवुड एक्टर नरगिस फाखरी बॉलीवुड में सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बन पाई हो, लेकिन फिल्म रॉकस्टार से उन्हें अलग पहचान मिली है। ये एक्ट्रेस अपने बेबाक बयानों और उदय चोपड़ा के साथ अपने लव रिलेशन को लेकर भी सुर्खियां बटोर चुकी है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान नरगिस फाखरी ने ये खुलासा किया था कि अक्सर बॉलीवुड में कई सारे आउटसाइडर आते हैं, लेकिन सुपरस्टार वो नहीं बन पाते, लेकिन सुपरस्टार वही बन पाते हैं जो कास्टिंग काउच के लिए हाँ कर देते हैं। आगे नरगिस ने ये भी बताया था कि वो भी कास्टिंग काउच की शिकार हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कभी हाँ नहीं किया। वहीं एक्ट्रेस ने यह खुलासा भी किया कि एक बार उन्हें फैशन मैगजीन के न्यूड फोटोशूट के लिए भी अप्रोच किया जा चुका है, लेकिन एक्ट्रेस ने इसके लिए कभी हाँ नहीं किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने रिलीज होने से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर ली थी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली नरगिस फाखरी का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कह रही हैं कि फिल्म अजहर में इमरान के साथ उनके कई सारे किसिंग सीन थे, तो वहीं कुछ सीन फिल्म में इसलिए डाल दिए गए क्योंकि फिल्म में इमरान हाशमी थे। नरगिस ने कहा कि एक किसिंग सीन शूट करने के दौरान कई बार रीटेक हो रहे थे और इस बात को लेकर नरगिस काफी गुस्सा हो गई थी। जी हाँ, दरअसल इमरान हाशमी एक एक किसिंग सीन को करने के लिए कई बार रीटेक दे रहे थे, जिससे कि नरगिस फाखरी को ये समझ आ गया कि इमरान बार बार किसिंग सीन में एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए नरगिस फाखरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो शूट को बीच में छोड़कर चली गई थी। बाद में निर्देशक उन्हें मनाने गए तो उन्होंने कहा कि ये सीन स्क्रिप्ट के मुताबिक बिल्कुल नहीं है और अगर उन्हें ये सीन फिल्माना है तो निर्देशक को उन्हें तय फीस से ज्यादा फीस देनी होगी। वेल, नरगिस को मनाने के लिए निर्देशक टोनी को उनकी शर्त माननी पड़ी और उन्होंने नरगिस को मनाने के लिए तय फीस से ज्यादा फीस दी। दोस्तों, उस वक्त इस बात ने काफी लाइमलाइट बटोरी थी। ये फिल्म उस समय काफी विवादों में भी रही। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म अजहर क्रिकेटर अजहरुद्दीन की लाइफ पर बनाई गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई भी की थी। फिल्म 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच हार चुकी भारतीय क्रिकेट टीम और नए कप्तान बने मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी पर बेस्ड थी। फिल्म में उनकी कप्तानी से लेकर उनके पर्सनल प्रोफेशनल सभी मुद्दों को दिखाया गया है। फिल्म में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का किरदार एक्टर इमरान हाशमी ने निभाया था। फिल्म में इमरान की पत्नी का किरदार एक्ट्रेस प्राची देसाई ने निभाया था और दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। वहीं फिल्म में उनकी गर्लफ्रेंड और दूसरी पत्नी का किरदार निभाया था नरगिस फाखरी ने, जिससे अजहर की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई थी। ये किरदार फेमस मॉडल और एक्ट्रेस संगीता पर बेस्ड था। फिल्म को डायरेक्ट किया था टोनी डिसूजा ने। तो दोस्तों, नरगिस के बयान पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।